नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री पे और मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर। जानना चाहेंगे ढेरों काला सच जो आज तक हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर और पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे और क्या जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दो दशक में जो है फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है। लाखों नई कंपनियां जो है वो इंटर की है, जिसका अपने नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, ये जो है सेक्टर जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग सेक्टर है। आप किसी भी परिस्थिति में जो है वो तबाह आप खाते ही खाते हो, चाहे आपके पास रोटी खाने का पैसा हो ना हो, दवा कैसे भी जुगाड़ करके आपको खाना पड़ता ही है। ठीक है, तो सबको ये दिखता है कि मार्केट जो है वो ग्रोइंग मार्केट है। दूसरा चीज़ क्या होता है, 4-5-7 लाख रुपया 2 लाख रुपया भी है किसी के पास, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एरिया मैनेजर है, उसको 5-6 डॉक्टर से यदि जान पहचान है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हिमाचल प्रदेश, बद्दी, उत्तराखंड, ये सब जगह से जो है वो मेडिसिन बनवा लेता है अपने नाम से, ठीक है, और एक कंपनी शुरू कर लेता है। उस डॉक्टर के पास पहुंच गया कि सर ये मेरा दवा लिख दीजिए, डॉक्टर साहब ने उसका दवाई लिख दिया, वो 5 डॉक्टर के ऊपर ही उसकी कंपनी चालू हो गई। वो कैसे? दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका जो दवाएं आपको मिलती है वो इतनी महंगी क्यों होती है? आप समझो, एक जो कैल्शियम टैबलेट है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25 से 30 पैसा आता है, और आपको कितने में मिलता है वो बाजार में? 10 रुपया 11 रुपया 12 रुपया। कारण क्या है? जो कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, वो लिमिटेड है, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हो रहा है। मेन जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, 20-30 साल पहले की बात थी, इतनी कंपनियां नहीं थी मार्केट में। उस टाइम क्या होता था, जब कोई नई ड्रग आती है तो डॉक्टर इंतज़ार करते थे कि कंपनी के जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी की मार्केटिंग टीम, मेडिकल टीम उनको आएगी और अपग्रेड करेगी उसके बारे में, तो वो लोग इंतज़ार में बैठे होते थे। आज क्या है, कंपनियों का भरमार लग गया है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, देखोगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स का लाइन लगा हुआ है। तो लाइन लगा हुआ है, डॉक्टर किसका लिखेगा? तो डॉक्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिला भयंकर कमाने का। उसने क्या किया, कंपनी से सेटिंग किया कि भैया मैं तेरा आयरन लिखूंगा, मेरे को क्या दोगे? कंपनियां खोल के बैठी है देने के लिए ही, साहब आपको क्या चाहिए? मेरा बच्चा जा रहा है अमेरिका, टिकट करा दो, ठीक है साहब, हो जाएगा। दूसरी कंपनी घुसी, सर मेरे को कैल्शियम चाहिए, ठीक है, क्या करोगे मेरे लिए? वो दिल्ली में जो है कॉन्फ्रेंस है, आना है जाना है, 40,000 रुपया का खर्चा है, ठीक है सर, हो जाएगा, मेरा कितना का लिखोगे? तेरा जो है मैं इतना लिख दूंगा। तीसरा आया, डॉक्टर साहब ये है, क्या है,
तो मेरे को आपसे 3 लाख रुपये का बिजनेस चाहिए महीने में। ठीक है, मैं एक कार लेने का प्लान कर रहा हूँ, मेरे को जो है ये कर दो। ठीक है सर, हो जाएगा, आप 3 लाख का लिखिए। तो ऐसे करके सारे कंपनियों से जो है डॉक्टर सेटिंग कर लेता है। आप विश्वास नहीं करिएगा दोस्तों, घर में दिया सलाई से लेके, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके, गैस से लेके, मकान से लेके, बच्चों का एजुकेशन से लेके, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। एटलीस्ट 95% ऑफ द डॉक्टर्स आई कैन से। तो हर एक चीज जो है वो आपको कंपनियां दे देगी, तो बदले में तो कंपनी आपसे लेगी। तो कंपनी के बंदे वहां जाके काउंटर पर देखते हैं, भाई मेरा माल जो है कितना बिक रहा है, अभी आपने सामान लिया है नहीं बिक रहा है, जाके तुरंत खड़ा हो जाएगा आपके पास कि साहब आपने तो बोला था मेरा तो माल निकल नहीं रहा है, आपने तो लिखा नहीं मेरा। तो डॉक्टर होता है अंडर प्रेशर, इसलिए आपके प्रिस्क्रिप्शन पे यदि आपको ट्रीटमेंट में 2 दवा की जरूरत है तो डॉक्टर साहब 8 दवा टारगेट पूरा करने के लिए लिखते हैं, यानी 2 के साथ आपको 8 जो है और पीछे से घुसेड़ दिया गया। ठीक है, आप जब दवा खरीदते हो ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब जाते हो, आपने वहां दवा नहीं लिया किसी कारण, बस पैसा नहीं है, बाजार में वो दवा नहीं मिलता है आपको, क्या कारण से नहीं मिलता है? तो भैया डॉक्टर साहब से जो सेटिंग है वो दवा तो वहीं रखी जाएगी ना, कोई वो जो है दूसरा जहां नहीं बिकेगा वहां तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसी काउंटर में आपको जाके दवा खोज के लेनी होती है। इसका कोई ये कारण नहीं है कि डॉक्टर साहब ने इतना हाईफाई टेक्नोलॉजी का दवा लिखा कि बाजार में नहीं मिल रहा है, वो इतना भयंकर सेटिंग का दवा आपको लिखा गया है कि जो साला बाजार में नहीं बिकता है तो वहां जाके आपको लेना पड़ेगा। और जो नॉर्मल दवाएं होती है, जो टॉप कंपनी की दवाएं होती है, वो देखिएगा आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये पूरा फंडा होता है जो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे इतना सारा दवा होता है, लोड होता है, उसका कारण यही होता है, क्योंकि भैया एक एक चीज जो है उनका पेन का एक एक शब्द जो है ऑलरेडी बिक चुका है, हर एक पेन में उनको कमा के जो है वो चुकाना है, लोन चुकाना है कंपनियों का। अभी आप समझो, मैंने आपको बोला 25-30 पैसे का कैल्शियम टैबलेट, 25-30 पैसे का कैल्शियम टैबलेट यदि छोड़ देगा बाजार में, वो 50-60-70 पैसे में, 80 पैसे में, 1 रुपया में, तो इतना जो डॉक्टरों का मुंह भरना है, इतना जो खर्चा उठाना है, और ये मैं एक डॉक्टर की बात बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया में कितने डॉक्टर होंगे आप सोच लो, और ये हर एक महीना का जो है, ये नहीं कि आपने एक बार जो है डॉक्टर को दे दिया तो बस कहानी खत्म हो गया, नहीं, वो टारगेट होता है कि ये 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर जो है उस स्पॉन्सरशिप या उस गिफ्ट के ऊपर आपका लिखा जाएगा, उसके बाद फिर से आपको ऑब्लिगेशन रिपीट करना है तब आपका लिखा जाएगा। तो ऑल इंडिया कितने डॉक्टर हैं आप सोच लो, और यदि सबको देना पड़े और हर महीने किसी न किसी का टर्न पूरा हो, तो यू कैन इमेजिन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो सबसे चूतिया, सबसे बेवकूफ जो है वो आम जनता है, उसके ऊपर लोड कर दिया जाता है। तो आपका 35 पैसे का टैबलेट जो है वो कितने का हो गया? 5.5 रुपये का, समझे? तो यहां पे जो है आपका वो आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये जो है झेलना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा।
अभी क्या है, फार्मा का जो प्रोफेशनल होता है, जो MR होता है, एरिया मैनेजर होता है, उसको कंपनियां जो है बांस देना चालू करती है कि वहाँ खर्चा किया है, कितना पैसा वहाँ से आ रहा है, कितना बिजनेस आ रहा है। अभी बेचारा दिन रात लग के, चाहे शहर में आग लगा हो, कर्फ्यू हो, कोविड का केस हो, कुछ भी हो, उसको वहाँ जाके उस चीज़ को करके फुलफिल करके देना ही है धंधा को, बिजनेस करके देना ही है, क्योंकि आपने खर्चा करवाया है, आपके कहने पे कंपनी ने उस डॉक्टर को पैसा दिया है, कंपनी नहीं जान रही थी उस डॉक्टर को, तो वो पूरी जिम्मेवारी आपकी हो जाती है, वरना आपका जीवन नरक हो जाएगा जवाब देते देते। और डॉक्टर इतने महान होते हैं भैया, कि आपसे ले भी लिया, यदि आपसे वादा करके ले भी लिया, आपने दे भी दिया, तो साला अगले दिन जो है दूसरा कंपनी पकड़ लेगा और आपका शेयर में से भी उठा के दूसरे का प्रोडक्ट जो है वो लिखना चालू कर देगा। इतना भूख जग गया है। आप एक चीज़ समझो ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डॉक्टर का बेटी डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, सब कैसे होता है भैया। उसको पता है पैसा कहीं से ना कहीं से कमा लेगा बाल बच्चा, तो 1 करोड़ रुपया यदि डोनेशन लगेगा कि 2 करोड़ रुपया डोनेशन लगेगा, कोई तकलीफ नहीं है। दो डोनेशन घुसाओ और कैसे भी करके जो है वो डिग्री लेके आ जाए, हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ आके बैठ के जो है लाइफ टाइम का धंधा चालू हो जाएगा। ये पूरा जो है वो खेला होता है, और ये पूरा जो है प्रोसेस का लोड जो है इकोनॉमिकली जाता है पेशेंट्स के ऊपर, और मेंटली जाता है मार्केटिंग स्टाफ के ऊपर। अभी जितना कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी उतना कंपनी को रिटर्न चाहिए, अब वो पीछे लेके पड़ जाती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर जो भी है उसके पीछे, भैया मेरे को तो वहाँ से इतना चाहिए, नहीं तो आप देख लीजिए। अभी बेचारा दिन समझे ना रात समझे, परिवार चलाना है, सब कुछ करना है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, बिजनेस करके देना है देना है, चाहे जैसे देना है आपको देना है, आप जो करना है करिए, आप ला के तो दीजिए। तो आदमी मेंटली पूरा स्ट्रेस हो जाता है। तो एक खेला चलता है वहां पे एडजस्टमेंट का। जब समझो 25 तारीख आ गया, 30 तारीख को आपकी क्लोजिंग है, 31 तारीख को आपकी क्लोजिंग है, और आपका जो है 4 लाख रुपया का आपके टारगेट में शॉर्ट है बिजनेस एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, 4 लाख रुपया का शॉर्ट है, जवाब देना है, कंपनी तो चढ़ जाएगी। तो लोग अब तो 4 दिन में तो कहीं जाके 4 लाख रुपया का बिजनेस हो नहीं सकता है ना, कहाँ से जाके आप लिखवा दोगे 4 लाख का, डिमांड नहीं है। तो वहाँ पर जो है प्ले होता है एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट क्या होता है, जो स्टॉकिस्ट होते हैं, जो डीलर होते हैं आपके कंपनी के, ठीक है, दवा कंपनी के जो डीलर होते हैं उनको स्टॉकिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो स्टॉकिस्ट जो होता है, बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है कि भैया ऑर्डर बना दीजिए, वो कह देता है, वो भी स्मार्ट प्लेयर है, उसको भी पता है कि अब तो साला ये फंस गया चक्कर में, अब क्या किया जाए, इससे तो निकाला जाए, कमाई का जरिया है। तो वहाँ पर वो टोटी पकड़ लिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, भैया ऑर्डर तो नहीं, अब जो होगा अगला महीना देखा जाएगा, नहीं भैया नहीं भैया करके वो रिलेशन बेस्ड पर 50,000 का बोल के निकाल लिया। अभी निकाल लिया, 50,000 से तो काम चलेगा नहीं, कंपनी तो 5 पैसा भी कम सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या करता है, भैया कैसे भी देख लो क्या करो। तो वहाँ पर ये बोल देता है, स्टॉकिस्ट ने बोल दिया कि भैया मेरे को 5% जो है वो कमीशन चाहिए, तभी जो है मैं माल उठा पाऊंगा। अब जो है आप जुगाड़ करिए, यदि वहाँ पे 2 लोग बैठे हैं टीम में हैं आपके, या आपके एरिया मैनेजर भी सहयोगी है, रीजनल मैनेजर भी सहयोगी हैं, तो मिलके जो है
चार पंचे 20,000 रुपया उसको आपको देना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए, जो उसका ऊपरी कमाई हो गया, तब वो आपको 4 लाख का ऑर्डर बना के दे देगा। ठीक है, तो आप सब जुगाड़ करके उसको 20,000 रुपये का बात करिए, तो वो उसने आपको ऑर्डर बना के दे दिया। यहाँ तक तो कहानी हो गया, ठीक। आपने झट से 4 लाख का ऑर्डर दिया, आपका टारगेट हो गया पूरा। अभी साला 20,000 रुपया जो है आपका सैलरी है, और 20,000 रुपये का तो आपने जो है एक नया तोता पाल लिया कि उसको 20,000 रुपया देना है, तो आप कहाँ से खाओगे, कहाँ से परिवार चलाओगे। तो वहाँ पर जो है लोग अनइथिकल प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है उनके ऊपर, कोई सुनने वाला नहीं है। तब क्या करता है बंदा, जो भी उसके पास गिफ्ट आता है कंपनी के तरफ से, जो भी उसके पास सैंपल आता है कंपनी के तरफ से, वो ले जाके वो बाजार में बेच देता है। वहाँ से जो पैसा आता है उठा के, या अपने जेब से जितना मिलाना है मिला के, सब मांग छांग के उस चीज़ को पूरा किया जाता है। तब आपका ऑर्डर जो है पूरा हो गया। अभी देखो प्रेशर कहाँ से चल रहा है, पैसा खाया डॉक्टर ने, ठीक है, आपने खिलाया, अभी आपको जो है कंपनी टारगेट दे दी बढ़ा के कि भैया ये पैसा भी अब आपको निकालना है, तो वो निकालने के लिए आपने मेहनत जो किया वो भूल जाइए। एट द एंड ऑफ द डे यदि टारगेट नहीं पूरा हुआ है, तो जेब से पैसा भी लगा दीजिए ताकि आपका टारगेट पूरा हो। और एंजॉय कौन कर रहा है, एसी चैम्बर में बैठ के डॉक्टर। और उसके बाद पैसा खाने के बाद, आपसे इतनी महंगी महंगी गिफ्ट लेने के बाद जो है, तब भी आपका वैल्यू डॉक्टर के सामने जीरो अंडा होता है, जीरो अंडा। तब भी वो एंटरटेन नहीं करता है लोगों को। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने देखा है, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा का पूरा हॉस्पिटल सेटअप तक बना के डॉक्टर को दे दिया है। और छोटी से छोटी कंपनियों की मैं बात करता हूँ, छोटी से छोटी कंपनी तो लोग इतने गिर गए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। सुबह ज़रूरत पड़े तो घर में जाके जो है वो झाड़ू पोछा भी कर दे डॉक्टर के घर में, इतना गिर गया है बिजनेस लाने के लिए। तो पूरा सिनेरियो ही जो है वो चेंज हो गया है। इसीलिए आज के डेट में जो आपको सारी चीज़ें महंगी दिख रही है, या ऐसा मेडिसिन दिख रहा है जिसका कहीं नाम पता नहीं है, और लोग दिख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप देखना 7 पेशेंट बैठा है, 15 ठो जो है कंपनी वाले लोग बैठे हैं, ये सब यही खेला है। ऐसे चलता है फार्मा का पूरा चेन और मेडिकल का पूरा कहानी। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको इंटरनल आइडिया जरूर हुआ होगा, जब आप जाओगे आज के बाद हॉस्पिटल में, चीज़ों को देख के आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।